हे एवरीवन, आज मैंने टॉपिक लिया है SD कर्व, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। SD मतलब स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। इसका मेन काम क्या है, जो भी हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन होता है उसको, उस डैमेज को डिटर्मिनेशन का काम होता है। हमारे SD कर्व से ही हम देखते हैं कि कितनी नर्व जो है वो इनर्वेटेड है कि डिनर्वेटेड है। SD कर्व का एम क्या है, टू प्लॉट SD कर्व फॉर वेरियस मेजर नर्व्स इन द बॉडी। एग्जांपल, पेरिफेरल नर्व लीजन में हम SD कर्व करते हैं। अब कौन कौन सा एपरेटस लेंगे, अगर आपने मेरा FG टेस्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वही सेम स्किन रेजिस्टेंस ट्रे और ट्रीटमेंट ट्रे लिया है एपरेटस में। स्किन रेजिस्टेंस ट्रे में सबसे पहले बाउल ऑफ टैप वाटर, सोप, मैकिंटोश, किडनी ट्रे, टॉवल एंड टिश्यू पेपर, ये सारे अपरेटर जो है वो एक स्किन रेजिस्टेंस ट्रे में रखना है। इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ट्रे में लीड्स, इलेक्ट्रोड्स, लिंट पैड, 1% सलाइम वॉर्म वाटर इन द प्लास्टिक बाउल, सपोर्टिंग पैड्स, पिलोस, कॉटन, टेलकम पाउडर, वैसलीन, टॉवल एंड वेलको स्ट्रैप, ये सारी चीज़ें आपने एपरेटस में ली। एपरेटस के बाद आपका क्या प्रोसीजर होगा, ग्रीट द पेशेंट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट। आपको पेशेंट को ग्रीट करना है, जो भी इंट्रोडक्शन है पेशेंट से वो इंट्रोड्यूस करना है आपको, और एक प्री प्राइमरी इंट्रोडक्शन लेना है, और एक ब्रीफ हिस्ट्री जो कि सबसे ज़रूरी है वो पेशेंट से लेना बहुत ज़रूरी है। अब एपरेटस का प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर लेना है जिसमें इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट हो। याद रखिएगा कौन सा करंट हम यूज़ करते हैं, वो है इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट। आपने सेलेक्ट कर लिया उसको। दूसरा, मेक श्योर दैट ऑल द वायर्स फ्रॉम द मेन टू प्लग बॉक्स एंड टू द मशीन आर इंटैक्ट एंड प्रॉपरली इंसुलेटेड। ये ध्यान रखना है कि जो भी वायर्स हैं वो मेन से प्लग में और मशीन में इंटैक्ट रहें और इंसुलेटेड रहें। उस पर ब्लैक वायर होना बहुत ज़रूरी है, वरना इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। चेक द लीड्स फॉर एनी ब्रेक इन द इंसुलेशन। आपको सारे लीड्स को चेक करना है। मेक श्योर दैट बिफोर ऑन और ऑफ एन एपरेटस ऑल नॉब्स ऑफ इंटेंसिटी आर एट ज़ीरो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो का होना बहुत ज़रूरी है। सारे नॉब्स जो हैं वो क्लोज रहें आपके स्टार्ट करने से पहले। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड शुड बी प्रॉपरली लिंटेड। आपने लिंट पैड देखा होगा, ऐसे इलेक्ट्रोड जो है उसको लिंट पैड में कनेक्ट करते हैं। द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज अप्लाइड टू द कन्वीनियंट एरिया, यूजली ऑन द मिड लाइन ऑफ बॉडी और ओवर द ओरिजिन ऑफ मसल। हमेशा जो भी आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो कन्वीनियंट एरिया में लगाना है आपको, या तो बॉडी के मिड लाइन में या तो मसल के ओरिजिन में। इसके लिए आपको ओरिजिन और इंसर्शन जानना बहुत ज़रूरी है हर मसल का। द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूजुअली पेन इलेक्ट्रोड। हम पेन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं इसमें। द एक्टिव पेन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ओवर मोटर पॉइंट ऑफ मसल टू बी टेस्टेड। जो भी हमें मसल, जिस मसल पे करना है उस पे हमें पेन इलेक्ट्रोड रखना है और फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। टू एसेस अ नर्व वी चूज अ प्रॉक्सिमल मसल एंड डिस्टल मसल सप्लाइड बाय दैट नर्व इन इट्स कोर्स। द लॉन्गेस्ट पल्स ड्यूरेशन इज चूजन फर्स्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड अंटिल द मिनिमम ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्टेंड। हमें नॉब को तब तक घुमाना है जब तक आपको एक कॉन्ट्रैक्शन जो कि आप ऑब्जर्व कर सकें वो ना दिखे, तब तक आपको नॉब को धीरे 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 इंक्रीज करना है। इंटेंसिटी, करंट के इंटेंसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, एकदम से इंक्रीज नहीं करना है। आपको ये पूरा एक ग्राफ पेपर पे ही इंडिकेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेनी है। प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर बाय टेकिंग ड्यूरेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड इंटेंसिटी इन वाई एक्सिस। वो कैसे करना है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये तीन प्लॉट है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा
कि जो मसल है वो इनर्वेटेड है, डिनर्वेटेड है, या फिर तो इनर्वेटेड डिनर्वेटेड बोथ है, मिडिल में है। सो अगर ग्राफ पे ये आता है, अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस में ड्यूरेशन लेंगे और वाई एक्सिस में इंटेंसिटी लेंगे। तो इस केस में मसल इनर्वेटेड है, लॉन्ग ड्यूरेशन है और शॉर्ट इंटेंसिटी है। ये आपका इनर्वेटेड मसल है, मिडिल में आएगा जिसमें पार्शियली इनर्वेशन और पार्शियल डिनर्वेशन दिखेगा, उसमें आपको किंक देखने को मिलेगा। किंक क्या है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन इज इंडिकेटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ किंक, अगर इंक्रीज हो स्लोप में या शिफ्ट हो स्लोप राइट की तरफ तो समझ जाइए आपको किंक दिख रहा है। सो ये इनर्वेटेड है और ये डिनर्वेटेड है। सो दिस इज पार्शियली इनर्वेटेड एंड पार्शियली डिनर्वेटेड, और ये है डिनर्वेटेड जो कि सबसे पहले आपको मिलेगा, इसके बाद ये और लास्ट में ये, जब रिकवरी हुई। अगर रिकवरी नहीं हुई है सो ये सेम बना रहेगा डिनर्वेटेड का, स्टीप राइज इन इंटेंसिटी इंक्रीज है ये। सो अगर 14 दिन के बाद भी आपको यही ग्राफ मिलता है सो उस केस में आपको नर्व रिपेयर सर्जरी ही करनी पड़ेगी, आपको रिकमेंड यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोग्रेस है सो आपको किंक देखने को मिलेगा और लास्ट में रिकवरी के बाद आपका डिनर्वेशन जो है वो कम्प्लीटली इनर्वेटेड हो जाएगा, मसल जो है वो पूरी अटैच हो जाएगी, इसका मतलब इनर्वेशन। अब मेथड क्या है? बिफोर करंट इज अप्लाइड स्किन रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय वॉशिंग एंड सोकिंग इन वार्म वाटर। आपको करंट अप्लाई करने से पहले उसका स्किन रेजिस्टेंस को कम करना है, उसके लिए हमें उस एरिया को वॉश करना है और वार्म वाटर में सोक करना है। पेशेंट मस्ट बी वार्म, फुली सपोर्टेड एंड इन अ गुड लाइट। ये तो सब में आपने कॉमन देखा होगा कि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में होना बहुत जरूरी है उसका। एंड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड मे बी अप्लाइड टू सम कन्वीनियंट एरिया ऑन मिड लाइन ऑफ बॉडी और ओवर ओरिजिन ऑफ मसल। ये वाला पॉइंट पहले भी आया है जिसमें मैंने आपको बताया कि मसल का ओरिजिन इंसर्शन जानना बहुत जरूरी है, आपको इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करना है वो जानना जरूरी है। Alternately, two small electrodes may be used, one over each end of the muscle belly. जो भी दो इलेक्ट्रोड आपने लिया है उसको मसल बैली के दोनों तरफ लगाना है। करंट इज अप्लाइड यूजिंग लॉन्गेस्ट स्टिमुलस फर्स्ट। अब रियो बेस और क्रोनेक्सी, ये दो चीज ऐसी है जो कि प्रैक्टिकल में भी और शॉर्ट आंसर्स में भी बहुत पूछते हैं, वो याद रखिए कि रियो बेस और क्रोनेक्सी होता क्या है। सो रियो बेस स्मॉलेस्ट करंट दैट विल प्रोड्यूस अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ स्टिमुलस इज ऑफ इनफिनाइट ड्यूरेशन। अगर मसल में जरा सा भी कॉन्ट्रैक्शन है और आपने स्मॉलेस्ट करंट दिया है उसी में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, वो होगा रियो बेस, जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट यूज करना है कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन अगर आप चाहते हो, आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट यूज किया है वो है रियो बेस, याद रखिएगा क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है क्रोनेक्सी और रियो बेस, और एग्जाम में बहुत आता है शॉर्ट आंसर्स में इलेक्ट्रोथेरेपी में। रियो बेस वेराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट मसल एंड अकॉर्डिंग टू स्किन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर ऑफ पार्ट। ये जो रियो बेस है वो आपके स्किन के रेजिस्टेंस पे और उस पार्ट के टेम्परेचर से भी वेरी कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। वाइल अराइज मे बी ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द मसल, अगर मसल में फाइब्रोसिस है उस केस में भी जो आपका रियो बेस है वो इंक्रीज आ सकता है। अब क्रोनेक्सी क्या है? डबल ऑफ रियो बेस, जितना आपने करंट दिया उसका जस्ट डबल होगा आपका क्रोनेक्सी। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट इम्पल्स दैट विल प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद अ करंट ऑफ डबल द रियो बेस। जस्ट अभी बताया मैंने रियो बेस का डबल जो है वो क्रोनेक्सी है। ड्यूरेशन ऑफ करंट रिक्वायर टू स्टिमुलेट नर्व टू डबल द रियो बेस, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले शेप ऑफ द कर्व, दूसरा फॉलोड बाय वॉट इज रियो बेस एंड वॉट इज क्रोनेक्सी और प्रेगनेंसी। सो इन सब चीजों पे वेरी कर सकता है आपका क्रोनेक्सी। सो ये है आपका
एसडी कर्व, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसडी कर्व बना रहे हो उस केस में इनर्वेटेड, डिनर्वेटेड और पार्शियल इनर्वेशन, पार्शियल डिनर्वेशन बनाएंगे अगर, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। टोटल ये जान लीजिए कि ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व इससे हमें मिलेगा, जिसका मेन काम क्या होता है, जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन होता है उसके डैमेज को पहचानना, डिटर्मिनेशन करना उसका। मेनली एग्जांपल इसका है पेरिफेरल नर्व लीजन में आप ये कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसडी कर्व। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।